लोकसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसभा में विधायक आजम खान ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि रामपुर में बिजली कड़की, लेकिन वे लोग समझ गए होंगे कि रामपुर में बिजली कड़क सकती है, लेकिन रामपुर के लोगों का जिस्म झुलसाया नहीं जा सकता। कहां और कौन सी बिजली गिरी थी हमारे ऊपर, सारा शहर अंधेरे में था, मेरे जिस्म से गर्मी और सर्दी का एहसास ही खत्म हो गया था। 8x11 की कोठरी में बंद एक आदमी जिसे शाम 7:30 बजे डबल लॉक में बंद कर दिया और सुबह 6 बजे खोला जाए, गुनाह यह था कि हमने हर लम्हा यह सोचा कि हमारे अपने रामपुर सूबे और मुल्क वालों के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। इसी सोच और इस गुनाह की सज़ा हमें मिली। अभी तक तो हम जमानत पर हैं, बरी नहीं हुए हैं। वहीं मेरे और मेरे अपनों पर सैकड़े मुकदमे हैं, किताबें, फर्नीचर और मुर्गी चोर ही नहीं, डकैती के मुकदमे भी हैं। हमारे मुखालिफ से हमारा मयार इतना नीचा रखा, अगर मुकदमा लिखाना ही था तो कुतुब मीनार और ताजमहल चोरी का कराते। नवाब को जिले में किन्नरों की संख्या के बराबर वोट भी नहीं मिले। आजम सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान जेल से बाहर आने के बाद पहली चुनावी सभा में अपने अंदाज में नजर आए। उन्होंने रामपुर नवाब खानदान पर जमकर चुटकी ली, कहा कि जिनकी औलादें अपने आप को नवाब लिखती हैं, जो 3000 वोट पाते हैं, इससे ज़्यादा तो रामपुर में किन्नर है। इससे तय हो गया है कि उन्हें किन्नरों का वोट नहीं मिला। वो सरकार थे हमारे, वो हुजूर थे हमारे, उनकी नस्लों को किन्नरों का वोट भी नहीं मिला। मशविरा देते हैं हमें, उनकी राय की ज़रूरत नहीं। आजम के इस बयान को लेकर माना जा रहा है कि कुछ दिन पूर्व नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां ने आजम खान के किला मैदान के जलसे के बाद जो बयान जारी करते हुए कहा था कि आजम खान नरहोटा चले जाएं। इस बयान को लेकर आजम खान ने ये प्रक्रिया दी थी। आजम खान ने कहा कि वो मुखबरी करते हैं, तुम्हारी तकदीर के दुश्मन वो, वहाँ एक ही घर में पंजे के लिए वोट मांगा जाता है और कमल के फूल के लिए भी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN.